हेलो फ्रेंड्स, मिनाज वेज किचन में आज हम बनाएंगे मिनी आलू के पराठे। ठंडी का सीजन है और सबको आलू के पराठे बहुत ही पसंद होते हैं। आलू के पराठे के साथ हम अचारी मेयोनीज बना के सर्व करेंगे। आप इसे जरूर बना के ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। मिनी आलू पराठे बनाने के लिए हम एक डो तैयार करेंगे। उसके लिए 1.5 कप गेहूँ का आटा लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। थोड़ा ऑयल या घी लगाएंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आलू मसाला बनाने के लिए उबले और मैश किए हुए आलू 1 कप लेंगे। उसमें 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए धनिया के पत्ते, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और ये हमारा आलू पराठे का मसाला तैयार है। हमारा आटा 10 मिनट रेस्ट कर लिया है, अब इससे हम आलू के पराठे बना सकते हैं तैयार। डो से एक छोटी लोई निकालेंगे, जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है हम इसे उसी साइज का लेंगे। इसमें सूखा आटा लगाएंगे, इसमें थोड़ा घी या तेल लगाएंगे, उसपे आलू के मसाले की टिक्की रखेंगे और उसे चारों तरफ से कवर करते हुए मोड़ लेंगे। पहले से गरम किए हुए तवे पे मैले हुए आलू के पराठे को सेकने के लिए डालेंगे। 2 मिनट छोड़ने के बाद उसे पलट देंगे। इस पे बटर या घी लगाएंगे। ये पराठा सिक के तैयार है। ऐसे ही हम अपने बाकी के सारे पराठे भी सेक लेंगे। आलू के पराठे के साथ सर्व करने के लिए हम अचार वाली मेयोनीज बनाएंगे। 1/4 कप मेयोनीज लेंगे और अचार का मसाला 1 टीस्पून लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी अचारी मेयोनीज तैयार है।